आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और आपको बताएंगे कि दरियाए सिंध बेट खादमवाली पर दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। बड़ा रेला सैकड़ों एकड़ फसल और दर्जन मकान अपने साथ बहा ले गया। मुकीन खुले आसमान तले बे आर ओ मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि मुतासरीन ने हुकूमत से माली इमदाद और मुतबादल जगह का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं दरियाए सिंध बेट खादमवाली पर दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। बड़ा रेला सैकड़ों एकड़ फसल और दर्जनों मकान अपने साथ बहा ले गया। मकीन खुले आसमान तले बेजार मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर, मुतासरीन ने हुकूमत से माली इमदाद और मुतबादल जगह का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे तैमूर अजहर से। ये कच्चे का इलाका और यहाँ पर सूरत हाल यह है कि दरिया सिंध में जो पानी की सतह है वो इस वक्त कम हो रही है, लेकिन जो दरियाई कटाव है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। बेड खादम वाली के साथ साथ देगर जो बस्तियां हैं वो भी इस वक्त दरिया सिंध में दरिया बुर्द हो चुके हैं। इस वक्त भी सूरत हाल, अगर ये मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मैं इस वक्त बिल्कुल ये दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद हूँ। ये बस्तियां थी जो कि इस वक्त दरिया बुर्द हो चुकी हैं, और इसके बिल्कुल मेरे अगर इस साइड पे देखते चले तो घर हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद हैं और किसी भी वक्त वो दरिया बुर्द हो सकते हैं। ये लोग जो हैं इस वक्त अपना सामान खुले आसमान तले रखकर बेयारो मददगार मौजूद हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर इनको रेस्क्यू करने के लिए या इनकी मदद के लिए कोई भी इंतजामिया मौजूद नहीं है। दरियाई कटाव को रोकने के लिए यहाँ पर कोई भी जो इंतजाम आते हैं वो नहीं किए गए। अगर दरियाई कटाव की वजह से होने वाले नुकसान की बात करता चलूँ तो अब तक सैकड़ों बस्तियाँ इस तरह की हैं जो यहाँ से बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं, और यहां पर जो फसलें काश की गई थी जिसमें चावल और तिल की जो फसल थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। जराई रकबे लोगों के तबाह हो चुके हैं और अब जो इनके रिहायशी घर हैं वो भी यहां पर दरिया बुर्द हो रहे हैं। कई लोग यहां से जो है नकल मकानी कर चुके हैं, उनके घर जो है वो गिर गए। अभी भी जो घर बचे हुए हैं वो बचाने की कोशिश में लोग मौजूद हैं। मेरे साथ यहां पर बेयारो मददगार खुले आसमान में सख्त गर्मी में जो लोग अपना सामान रख के दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इन्हीं से जानते चाचा तुसा मैं कुछ दसाए कितना नुकसान थे गए, कितनी बस्तियां हैं जेरिया इन टाइम दरिया खत्म कर चुके, तुम्हारे घर आखिरी बच्चे खड़न ए ढावन आलन किवे गुजारा करें दे बवे, हुन तक तुम्हारी मदद को कोई आए, कितनी बस्तियां डूब गए, कितनी फसलें तबाह थी गई, क्या क्या नुकसान था हुन तक? सारी कोई भी मदद को का नहीं आया, सारे तकरीबन दर्जनों बस्तियां बर्बाद थी गए, सारे रकबे फसल फसलात वो भी ढह गए, गिर गए दरिया के बिच, ढेर सारा नुकसान थे। सारी कोई आज तक मदद है हुकूमत कह नहीं, सारा कोई बंदा भेजा जो बन कर उन्हें भी देखूँ तो भला उन्होंने इमदाद करूँ, ना कोई सारे को सियासतदान आए, ना कोई सारे को हुकूमत का बंदा आए, कोई नहीं सारे को आन के कहीं सारी इमदाद की अज तक। चाचा तुसा मैं कुछ कितने घर हैं जो हम तक खत्म थी चुके हैं, फसल केरी केरी तुम्हारी तबाह थी, आखिर ये कीवे इनकी बचत कीवे थी सकती है? आज तानी घर जो है तकरीबन 10-15-20 घर तबाह थी गए, हूँ घर सारा ही में समझ दर्ज ने सारा घर ही ढहन आए, तिल फसल ये भी ढह गए, कोई हुकूमत का बंदा कोई नहीं आया इतना, ना कोई सियासतदान आया, कोई नहीं आया, बिल्कुल कोई अमले वाला कोई बंदा नहीं आया, कोई इवें समझ हुकूमत नहीं आई। दरिया सट्टी में इन्हें दरिया के रोकने का इो हाल आके कोई सिपर कोई कई आन के इो कर इमदाद कर, कोई इमदाद ही नहीं आई, कोई बंदा इतना जहर ही नहीं थिया, ना कोई समान बारो कड़ी खड़े समान क्या करें, बस क्या करूँ, अल्लाह कड़ी खड़े कोई आके इो करे थी कड़ो उदास सवाब बने थी, बाकी कोई हुकूमत का बंदा नहीं आया इतना दरिया ढमेदा में। अगर ये मेरा कैमरामैन दिखाता चले तो ये सूरत हाल है कि ये इन लोगों का जो सामान है ये इन्होंने जो कमरे या घर इनके गिर चुके हैं वो ये बाहर ले आए, और ये अगर सामने मेरा कैमरामैन दिखाता चले तो ये वो आखिरी इस घरों की दीवारें हैं जिनको दरिया सिंध का जो कटाव है वो जारी है, किसी भी वक्त ये घर जो है दरिया बुर्द हो सकते हैं। ये जो यहाँ पर मुतासरीन है ये इमदाद के लिए और हुकूमती मदद के लिए, इनका कहना है कि अभी तक कोई भी इंतजामिया नाम की यहाँ पर चीज़ मौजूद नहीं है, हमारे घरों को बचाया जाए, दरियाई कटाव को रोका जाए और जो हमारा नुकसान हो रहा है उसको बचाते हुए हमें नकल मकानी के लिए यहाँ पर कोई भी जो रेस्क्यू सर्विस है हम की जाए। जी तैमूर अजहर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं बुरेवाला दरिया सतलज में पानी से तबाही, हिफाजती बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। चिश्तियां के इलाका मौजा दूला अकाकुका और मौजा जोदेका में बस्तियां ज़ेरे आब आने से फसलें तबाहकुन, मकीन बेघर हो गए। हम साहू का पतन पर मौजूद हैं, दरिया सतलज में पानी में बतरीद इजाफा हो रहा है, हैर सुलेमान की पर पानी की सतह में बतदरीज कमी आ रही है और इस वक्त 65,000 क्यूसेक का रेला हेड सुलेमान की से गुजर रहा है, जबकि हेड इस्लाम जो ज़िला विहाड़ी में वाक़ है उस पर पानी का दबाव इस वक्त 18,000 क्यूसिक है, जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से
किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। 13 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। जो बस्तियाँ जेर आब आ गई हैं उनमें से आबादी का इनखला और उनके माल मवेशियों का इनखला जारी है। इस वक्त ज़्यादातर दबाव पानी का ज़िला बहावलनगर की तहसील चिश्तियाँ की तरफ से है, जहाँ के मकीनों को रेस्क्यू करने के लिए विहाड़ी ज़िला की रेस्क्यू टीमें इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं और तकरीबन 150 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया है। ज़िले इंतज़ामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप्स में खाने का इंतज़ाम, रिहाइश का इंतज़ाम और माल मवेशियों के लिए चारा और उनके जानवरों और इंसानों के इलाज के लिए डिस्पेंसरियाँ कायम की हुई हैं, जो 24 घंटे अपने काम में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू का इदारा दिन रात यहाँ से लोगों को और उनके माल मवेशियों को रहा है। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। चिश्तियाँ सतलुजा कोका के मुकाम पर 31,000 क्यूसिक पानी का रैला, दरियाई बेल्ट में तमाम फसलें डूब गई। 6 एकड़ पर जानवरों का चारा, 25 एकड़ तिली पानी का रैला बहा कर ले गया। घरों में पानी दाखिल, फसल तबाह होने से किसान परेशान। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तियाँ के सतलुज के मुकाम पर, जिसको दुल्ला आकू का कहा जाता है, जहाँ पर इस वक्त 71,000 क्यूसक पानी का जो गुजर है, लेकिन पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। इस वक्त यहाँ पर जितने भी नज़दीक मुकामी लोग हैं, उनकी फसलें, उनकी जो चारा जात है, जो उनकी फसलें, वो पानी के लपेट में आ चुकी हैं। पानी का जो रुख है वो फसलों की जानब हुआ है। मेरे साथ ये मुकामी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर रहते हैं, इनका कितना नुकसान हुआ है वक्फन वफिन से जानते हैं। भाईजान क्या कहते हैं, आपकी कितनी फसलें पानी में आ चुकी हैं? 25 एकड़ जी भाईजान है अपने जी, साढ़ा फसल नुकसान हो गई जी। जनाब कुछ तिली आए पे, कोई चारा चूरा जी मालदा जी। अच्छा बाबा जी, थोड़ा किन्ना की नुकसान हो गया थे? ए जी मालदा चरी खड़ी आई, वो बेच लगी गई है, सारी बुट गई, बाकी दे तेल खड़ोते हैं, वो कमान खड़ोता सारा बेच फसल। बाबा जी तुसी आप मुकाम मुस्तकिल मुकाम ते पहुंच गए जी, बच गए जी? नहीं जी, बिच पानी दे आ गई है, बिच रकबा पानी दे आ गया। पानी दे आ गया। अच्छा, मेरे साथ एक और बुजुर्ग है जिनका रकबा बिल्कुल ही दरिया के सेंटर में आ चुका है। बाबा जी आप बताएं कितना नुकसान हुआ है आपका? मेरा जी मुस्ताद जी ठेके से लिया हुआ 4 एकड़ रकबा, पूरी फसल तबाह हो गई है, एक पाई नहीं वजह निकली। मेरा वो मकान सामने खड़ोता हुआ दरिया है जी। अच्छा, ये वो लोग मुकामी यहाँ पर जिनका कहना है कि एक आदमी का 25 एकड़ है, एक ने बताया 6 से 7 एकड़ है, एक बाबा जी कह रहे हैं कि मैंने ठेके पर 4 एकड़ रकबा लिया जो बिल्कुल दरिया के सेंटर में आ चुका है। इनके ये नुकसानात हैं जो पानी की लपेट में है, फसलें काफ़ी मुतासर हो चुकी हैं। इंतजामिया की जानब से इनको काफ़ी सारा रिलीफ मिल रहा है, रेस्क्यू 112 की टीमें जो है वो मौके पर इनके साथ हैं, इनको दरियाई बेल्ट से निकाल कर एक मुस्तकिल मुकाम पर मुंह दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। दरियाए सतलुज में सैलाबी तबाहकारियां जारी, भूखा पतन के नजदीक सैलाबी रेले से कई एकड़ अराजी पर फसलें दरिया बुर्द, लोग अपनी मदद आप के तहत बंद की हिफाजत करने लगे। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं कासिम अली शेख। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज में भूखा पतन पुल के मुकाम पर, जहाँ पर इस वक्त भी निचले दर्जे का पानी है, लेकिन यहाँ पर जो पानी की उस तेज़ी से इसकी सतह में इजाफा हो रहा है, इस वक्त भी जो है वो पानी बहुत ज़्यादा मकदार में इस वक्त यहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से नज़दीकी जो आबादी हैं उन्हें भी शदीद खतरात हैं, जबकि फसलें जो है वो भी ज़ेरे आब आ गई हैं। ज़मीनी कटाव वो उसमें भी तेज़ी, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये इस वक्त लोगों ने अपनी मदद आपके तहत हिफाजती बंद जो है वो बनाएगा, लेकिन जिस तरह पानी की मकदार में इजाफा हो रहा है ये बंद इसको शदीद खतरात है। यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे बात कर लें। अब बताइए थोड़ी फसलों का क्या हाल है? फसल तो हमारी जी सारी तबाह हो गई, कोई फसल बची भी नहीं है ऐसे जड़ा जड़ा कुछ केड़ी, केड़ी फसल इतने किसी इधर तेल लगाए हुए थे और ना कपास सी। जानवरों का कि जानवरों को चारा लभे? कोई चीज़ भी नहीं बची, कोई अब देख ले सारा पानी पानी हुआ, कोई चीज़ ही नहीं खाण दी, ना कोई डंगर दी कोई। अच्छा, रात दे लोग जड़े ने खुद अपनी मदद आप कर रहे हैं। अच्छा, कोई हुकूमत का निज़ाम ऐसा है ही नहीं। अच्छा, जिंदे नाल सारी रात असी खड़े रहे हैं, जे मेरे दोस्तों का घर है नज़दीक। अच्छा, इनके सामने सारी रात ट्रैक्टर भी लाई रखा है और सुबह बंदे भी लाए हैं। हाँ, ए जे चल गई है तो बस्ती आ जी बची खड़ी है, बाकी दी तबाह हो जैसे जी। बिल्कुल, ये थे यहाँ के शहरी जिनका कहना है कि ये बंद जो है इसने रोका हुआ है आबादी को, जिसकी वजह से आबादी महफूज है, लेकिन जिस तरह पानी की मकदार में इजाफा हो रहा है ये बंद जो है वो किसी वक्त भी टूटने का इसका अंदेशा है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त फसलें जो है वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जानवरों को चारा दस्तियाब नहीं है, शहरियों को मुश्किल है, दूसरी तरफ शिकवा भी कर रहे हैं कि इंतजामिया की। अपडेट के लिए शुक्रिया। अहमदपुर शरकिया के मुकाम पर दरियाए सतलुज भी फट गया,
पानी की सतह बुलंद, दरिया किनारे आबाद मकीन कश्मकश में मुबतला, शहरों को इंतजामिया पर पेशगी इंतजाम ना करने का इल्जाम। मकीनों ने कहा कि इंतजामिया ने फोटो सेशन के बाद लगाए गए कैंप खत्म कर दिए हैं। आपको बताएं अहमदपुर शरखिया के मुकाम पर दरिया सतलुज बिफर गया, पानी की सतह बुलंद, दरिया किनारे आबाद मकीन कश्मकश में मुबतला, शहरियों का इंतजामिया पर पेशगी इंतजाम ना करने का इल्जाम। मकीनों ने कहा कि इंतजामिया ने फोटो सेशन के बाद लगाए गए कैंप खत्म कर दिए हैं। आपको बताएं अहमदपुर शरखिया के मुकाम पर दरिया सतलुज बिफर गया, पानी की सतह बुलंद। आपको बताएंगे कि भारतपुर की जानिब से छोड़ा गया पानी बहावलपुर पहुंच गया है। सतलुजपुर पर पानी का बहाव 7 से 8 हजार क्यूसिक है। आइंदा 24 घंटों के दौरान पानी की सतह में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, दरियाए सतलुज में सराबी रेला जो है वो इस वक्त बहावलपुर की हदूद में दाखिल हो चुका है। मेरा कैमरा मैन अकरम शाहीन आपको दिखाया, तो इस वक्त जो रेलवे ब्रिज है उसके नीचे से पानी का जो फ्लो है वो बहुत तेज़ हो चुका है और यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 1 से 1.5 फुट पानी की जो सतह है उसमें इजाफा हो चुका है। रिलीफ कैंप भी यहाँ पर कायम हो चुके हैं, साथ साथ यहाँ पर कश्तियाँ भी पहुँच चुकी हैं। शहरी भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इंजॉय करने पहुँच चुके हैं। शहरी यहाँ पर कश्तियाँ भी करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी जो है वो यहाँ पर नहाने की भी कोशिश की उन्होंने, ताहम जो रेस्क्यू एहलकार उन्होंने उनको मना कर दिया ताकि वो जो है उनकी जो जिंदगी है वो महफूज बनाई जा सके। मैं साथ शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं, कितने दिनों बाद यहाँ पर पानी आया है? 2 सालों बाद आया है। तो हम इधर आए हैं सैर व तफरी करने के लिए और नहाने के लिए आए हैं और रेस्क्यू ने मना कर दिया है। तो हम सुबह से आए हैं और शाम तक असी इधर ही हैं, तो सैर व तफरी करेंगे, दूसरी वो बैठेंगे कश्ती पर बैठेंगे। तो क्या पानी जो है वो इतने दिनों बाद आया तो फिर पानी को वेलकम कर रहे हैं? हाँ वेलकम। तो क्या क्या करेंगे यहाँ पर? नहाएंगे, ये मौज करेंगे। ठीक है, तो पानी यहाँ पर जब नहीं होता तब ये सारी जगह सुनसान होती, अब तो आबाद हो गई है? हाँ, अब आबाद हो गए। पहले तो ये सुनसान होता, कोई भी नहीं आता था, सिर्फ रेत वाले सुबह सुबह ट्रालियाँ होती थी। अब कुछ इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल जी, शहरी जो है मंचले नौजवान जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, ये कह रहे हैं कि इंजॉय करने आए हैं। 2 साल बाद पानी यहाँ पर आया है और यहाँ पर आकर कश्ती रानी भी कर रहे हैं, साथ साथ जो स्विमिंग है वो भी कर रहे हैं और पिकनिक भी यहाँ पर मना रहे हैं। इनका यही कहना है कि जो पानी है वो इनके लिए एक जो खुशी से कम नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद ये जो जगह है ये आबाद हुई है। इससे पहले ये बिल्कुल खुश्क होता है, यहाँ पर सुनसान होता, सारी जगह सुनसान होती है और अब यहाँ पर ये जगह आबाद हुई है। यहाँ पर फूल स्टॉल भी लग गए हैं, समोसे भी यहाँ पर मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं। तो शहरी साथ साथ जो है पानी के रेले के साथ साथ यहाँ पर जो है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं मुल्तान होलसेल मार्केट गला मंडी में आटे की कीमतों में कमी। 15 किलो के आटे का थैला 100 रुपए सस्ता हो गया, नई कीमत 2100 रुपए हो गई। आटा 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान होलसेल मार्केट गला मंडी में आटे की कीमतों में कमी। 15 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता हो गया है, नई कीमत 2100 रुपए हो गई है। आटा 140 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। आपको बताएं मुल्तान होलसेल मार्केट गला मंडी में आटे की कीमतों में कमी। 15 किलो के आटे का थैला 100 रुपए किलो हो गया। बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। रहमिया खान शहर और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया है। शहरियों का गर्मी से बुरा हाल, कारोबारी और दीगर मामलात जिंदगी मुतासिर है। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल रही मेरे ख्याल में गर्मी के जोर पकड़ते ही बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर हो चुका है और ये मैप को इंतजामिया के कंट्रोल में नहीं आ रहा। शदीद गर्मी में शहरियों का जो है बिजली की लोड शेडिंग के बायस बुरा हाल है, जबकि जो मैप को इंतजामिया है वो इस लोड शेडिंग को जो है मेंटेनेंस का नाम दे रही है। शहरी हमारे से मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे शहरी इलाकों में और देही इलाकों में कितने घंटे की बिजली की लोड शेडिंग आप देख रहे हैं और उसकी वजह से आपको किन मुश्किल का सामना है? मैं मैप को इंतजामिया को ये बताना चाहता हूँ कि दही इलाकों में 8 से 10 घंटे 12 घंटे की लोड शेडिंग है और शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे जो है वो बिजली नहीं आ रही और बिल बिजली के 4 से 5 गुना ज़्यादा हो गए हैं। हमारा बुरा हाल है, हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम घर चलाएं या अपन बिजली का बिल दें। तो इनसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदा के कहर से डरो और ये जो आपने कोई नया ड्रामा रचाया हुआ है जी, हम इन ठीक कर रहे हैं जी, लोड शेडिंग है ये है वो, कोई लोड शेडिंग नहीं, सिर्फ ये अपनी बेहिसी दिखा रहे हैं हमें। और बहुत सारे कल भी 2 मौत हो गई हैं इधर इलाकों में, इस तरह जिम्मेदार बेचारा बड़ा परेशान है, उसकी चावल की काश्त के दिन है। तो आपको इंतजामिया को चाहिए कि वो
इस पे जो रहम है दर्ज कर। बिल्कुल, बिजली की लोड शेडिंग शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे जबकि जो देही इलाके हैं उसमें 7 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके बाद जो है शहरी परेशान और उसके साथ साथ जो कारोबारी तबका उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, शहरों को परेशान है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी। खबर शामिल करें जामपुर से जहाँ तजावजात की भरमार। रोही की खबर पर इंतजामिया को होश आ गया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर के हिदायत पर CEO मुसर्रत अब्बास का ग्रैंड ऑपरेशन। इस पर मजीद बात करते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रोही ने हमेशा अवामी मसाइल और अवामी मसाइल को अफसराने बाला तक पहुंचाकर उसे हल करने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखी है। इसी हवाले से तजावजात के हवाले से डेमिस गेट से लेकर ट्रैफिक चौक से लेकर डेमिस गेट और कोटला चुंगी तक कल ही रोही ने जो है न्यूज नशर की, जिसका नोटिस डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जनाब डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच ने लिया और उन्होंने जनाब असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर को फौरी तौर पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का अहकाम दिए। इस हवाले से आज भरपूर ऑपरेशन शुरू किया गया जो ट्रैफिक चौक से शुरू होकर कोटला चुंगी तक पहुंचा। इस वक्त हम ट्रैफिक चौक पर मौजूद, हमारे साथ मौजूद है चीफ ऑफिसर जनाब मुसर्रत अब्बास। सर, क्या कहेंगे, आवाम के एक बड़ा अहम इशू था तजावजात के हवाले से, आगे मुहर्रम भी आ रहा है, तो इस हवाले से तजावजात के हवाले से मजीद क्या आपने अहकाम जारी किए हैं और उन रूट्स को क्लियर करने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कल रोही की न्यूज़ के ऊपर जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक्शन लेते हुए हिदायत फरमाई थी कि आप डेरा चुंगी से लेकर ये ट्रैफिक चौक से लेकर डैमेस रोड तक आपने तमाम जो तजावजात हैं उनको हटा दें। इसके ऊपर एक्शन लेते हुए आज म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने ट्रैफिक चौक से लेकर डैमेस रोड तक और कोटला चुंगी तक तमाम तर तजावजात को हटा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम की आमद है, तो उस सिलसिले में हमारा जो ऑपरेशन है तजावजात का वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर जारी रहेगा। बिल्कुल, रोही की जानिब से जो निशानदाही की गई थी उसका जो है नोटिस लिया था और तजावजात का जो है इस वक्त पूरे शहर से जो है खात्मा कर दिया गया। इसके साथ साथ चीफ ऑफिसर जनाब मुसर्रत अब्बास का ये भी कहना था कि रूट्स जो जावेद इकबाल, अपडेट के लिए शुक्रिया।